अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप ये जो कह रहे थे अम्ब्रेला का, वो सिंपल है, मैं आपको एक ड्रॉ करके देता हूँ। जैसे मैं एक बना लेता हूँ 6 मीटर बाय 6 मीटर, ठीक है, किसी भी साइज़ में आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक जस्ट ये ऑटो कैड में बनाने के लिए, ठीक है, एक क्रॉस लाइन लगाऊँगा, ठीक है। फिर इसके टॉप पर मुझे रिंग चेक जो कितना है 6 मीटर बाय 6 मीटर, यूजली वो हम 400 करवाते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे ट्रिम कर दूँगा, ठीक है। अभी ये बिल्कुल एक ही प्लेन में है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको हाइट एज पर रिक्वायरमेंट होती है, यूजुअली जो इस तरह का मिल रहा है उसमें हम इसको 1.5 तक होता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये अभी देखा है वो उसके ऊपर चला गया, ठीक है। फिर हम मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर 200 ये सेंटर आ गया, पॉइंट नहीं शो कर रहा था, यहाँ पे इधर से तो यहाँ पे आपने ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। दूसरी तरफ भी लगानी है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, बस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, किसी एक मिडल वाले पोर्शन में। डायग्राम में आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाओ, ठीक है, क्योंकि जब हम एलिवेशन में लगाएंगे तो वो नज़र आएगा स्ट्रेट लाइन। अब आप इसको जस्ट जो है ना थोड़ा सा बैंड दे रहे, ठीक है, मतलब जितनी लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे लेंथ आ रही थी 3.17, ठीक है, तो 3.17 का मल्टीप्लाई तकरीबन 6 से 3.17 मीटर आ रही थी, ठीक है। फाइव करेंगे तो ये तकरीबन 15-16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको 200 पे करती हूँ, 200, ठीक है, लेकिन वो 15 जो आई थी ना वो 15 ही सही है, 5%, ठीक है, तकरीबन स्मूथ। जो ये सिर्फ कंसेप्ट पर्पज़ के लिए, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है वैसे इसका, लेकिन ये हम विजुअली जो आपको ओके लगती है, ठीक है। अभी प्लान में हम देखेंगे तो ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपली पर्सपेक्टिव में जाना है, इसको पकड़ना है, इधर से मूव या इसको कॉपी करना, हम इधर से मूव करेंगे और यहाँ पे करेंगे। इस सूरत में आपने एक का कलर चेंज कर देना, ठीक है, फिर आपको क्लियर रहेगा कि आपने क्या किया। टॉप व्यू में जाएंगे, रोटेट, हमने सिर्फ रोटेट, इंटर, क्लिक, रोटेट बेस पॉइंट, रेफरेंस आर, एंटर, फिर बेस पॉइंट, फिर रेफरेंस पॉइंट, और फिर एंगल डायरेक्शन। ये एंगल डायरेक्शन वो जिस एंगल में रोटेट करना चाहेंगे, अगर आप उस एंगल है, नहीं तो आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर दें, वो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन, उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट सिंगली फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट को खींच के ड्रैग कर देना, ठीक है। तो फिर ऐसे ही आपने एक लाइन लगानी है बिजली देखने के लिए, फ्रंट एलिवेशन में जाएंगे, उस लाइन का ये लाइन की लेंथ चेक करो, 4.3 × 5 = 21, ठीक है। तो ये अभी वो जो हमने क्या ना, ये समटाइम प्रॉपर काम नहीं होता, उसमें प्रॉपर काम नहीं था। अभी हम टॉप व्यू में जाएंगे, ठीक है, इसको हम मिरर कर देंगे, ठीक है, फिर ये मिरर आएगा, फिर ये मिरर आएगा, इसी तरह फिर मैं इनको मिरर करूँगा, ये तो ये चार लाइनें लगी, ठीक है। ये पूरा मेथड ये है, वैसे तो सिंपल एक से भी बन सकता है पूरा फैब्रिक अगर एक जस्ट साइज हो, ठीक है। तो ये अभी पहले आपने ये ऐसा पूरा फैब्रिक बना लेना है, ठीक है, जो आउटर एजेस हैं वो फिक्स रखें। इसमें दो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आपने क्या करना है, टॉप रिंग जो है कॉपी करना है, उसको साइड पे ले जाना है, उसके दो कॉपीज कर देना है, ठीक है। फिर इसको ट्रिमिंग करना है, फर्स्ट एक छोड़ के, फिर सेकंड छोड़ के, थर्ड, फिर फोर्थ छोड़ के, फिफ्थ, फिर सिक्स छोड़ के, सेवन, इस तरह। फिर यहाँ पर जो छोड़ा था उसके अपोजिट जाना, यहाँ पर हमने इधर ये वाला पोर्शन ट्रिम किया था तो ये नहीं करना, इससे नेक्स्ट करना है, ये वन वन, फिर सेकेंड नहीं, फिर थर्ड, 4th,
फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सेवन्थ। उनके आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सिलेक्शन में दिया जाता है, मूव करूँगा मैं, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट्स थे, ये रिंग मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये रिंग खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये रिंग मैं इधर शिफ्ट होऊंगा, ये रिंग हमारे पास सेगमेंट्स में है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया, ये इसके बाद अभी ये हर पोर्शन अलग अलग है, ठीक है। तो अभी आप साइड वाला भी पोर्शन ऐसा होना चाहिए, तो उसको ट्रिम कर सकते हो या फिर नई लाइन एक लगा सकते हो या ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, लाइन लगा लूँगा, ठीक है। नेटवर्क सरफेस, NET नेटवर्क सरफेस, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ, तो ये एक सरफेस बन गया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला का साइज सेम है, ठीक है, तो ये सारे साइड्स इक्वल है, तो मैं इसको जस्ट मिरर कर लूँगा, ठीक है। तो ये खुद बहुत जो है वो प्रॉपरली बन गया मिरर, पूरा फैब्रिक रेडी हो गया, ठीक है। अभी तो ये फिक्स फैब्रिक वाला था, मतलब इस तरह का एक शेड होता है जिसके साइड स्पेस ऐसी फिक्स होती है, ठीक है। अगर हमें साइडों पर कटनरीज चाहिए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में पॉलीलाइन आर्क, ठीक है, ये पॉइंट, और ये फिर ये क्वेश्चन पहले भी मैंने इसका पॉइंट क्लिक किया था। अगर आपके पास इस तरह आ रहा है, मतलब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी स्ट्रेट है फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से अभी ये पॉइंट फर्स्ट है और जो लास्ट पॉइंट होगा आर्क का, अब हम एक ही लाइन एक ही एंगल में होगा तो उधर वो क्लिक नहीं होता, ये देखा नहीं होगा। तो आप इधर किसी भी आउट किसी भी पोजीशन पे थोड़ा सा आउट करके आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये और यहाँ पे ये, हम ये वाला हमारा पॉइंट कैसे होता है, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह आपने एक लाइन लगानी है, और हमारे पास 6 मीटर था तो 6 × 5% आपका आर्क लेंथ, ठीक है। 6 तो ये हमारे पास 300 हो जाएगा, 6 × 5 = 300, ठीक है। तो अभी ये वाला हमारे पास ये कटनरी हमें यहाँ तक चाहिए, इस लाइन पर उसको खींच लेंगे, ठीक है। इसको मैं दूसरी लाइन को तभी मेरे कर देता हूँ, ठीक है, वो सेम हो जाएगी। इस लाइन को मैं यहाँ पर मेरे कर देता हूँ, ये ऑप्शन ये वाला जो आर्क लाइन है, ठीक है। फिर इसको हम बाहर की तरफ ऑफसेट कर देता हूँ, ये जो एज है। फिर मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊँगा, एक्सट्रूड कर्व लेंथ, और ये इसको मैं एक्सट्रूड कर दूँगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इंटर, फिर आपने सबको एक ही दफा सेलेक्ट करना है, ये सब पैचेस को, सब जो सेगमेंट्स हैं फैब्रिक के, एक ही दफा सेलेक्ट करोगे और फिर इसमें क्या होगा, ये वो पूरा फैब्रिक यूनियन हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन जो नीचे बची हुई थी, अगर आप इसको हट करके देखना तो मिडल में ये लाइन अगर चाहिए तो आप रख लो, नहीं चाहिए तो खत्म कर लो, वैसे ज़्यादा चाहिए नहीं होती, ठीक है। या आप सेव करके सेव वाइज कर सकते हो, सम टाइम अगर दोबारा रिवाइज करनी पड़े तो वो फिर लाइन लगानी पड़ जाती है साइड पे, या वो नई लेयर बना के उसको आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैब्रिक एक बन गया, ठीक है। तो ये आप साइड रिलेशन किसी भी साइड देखेंगे एक ही रसना नजर आएगा, ठीक है। उसको आप कलर कोई भी आप कलर कर लो, ठीक है। तो अभी आप टॉप व्यू देखोगे तो ये प्रॉपर जो है ना एक कोने कमरे लश कर नजर आएंगे, ठीक है। उसको जैसे ही घुमा के देखो, ये प्रॉपर ऑटो कैड में कोई भी कॉर्नर सरफेस ऐसे बनता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बता देना।